हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं अपने हिबिस्कस प्लांट की रूट प्रूनिंग करने वाली हूँ। इस हिबिस्कस के प्लांट में लगातार 3 महीने से फ्लावरिंग हो रही है और बड्स भी हर शाख में आई हुई है। आप देख सकते हैं हर शाख में बड्स आई हैं और लगातार फ्लावरिंग हो रही है। अभी भी इसमें 4 फूल खिले हैं, ये देखिए। फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो फरवरी की मंथ में रूट प्रूनिंग करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसकी स्टेम की प्रूनिंग आज मैं नहीं करूंगी, सिर्फ रूट प्रूनिंग की आज करूंगी। एक साथ, क्योंकि स्टेम की प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे प्लांट को इस गमले से निकाल दूंगी। मेन रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए हम आसपास की रूट्स जो गुच्छा बन गया है उसको पूरा निकाल देंगे। मट्टी पहले से तैयार करके रखी है, उसमें मैंने चना बूट की पत्तियाँ और बादाम के खोल का पाउडर मिलाया है। चना बूट की पत्तियों में और बादाम के खोल में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन होता है, जो जड़ों के को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। अब हम प्लांट को बीचों बीच रख कर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से प्लांट लगाने के बाद अच्छे से पानी डाल देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।